अत्र विराजित सेवा भावे संयमी तपस्वी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, अभी हम लोग पर्युषण महापर्व की आराधना करते हुए, पूरी नहीं हो गई, जिंदगी भर चलेंगी, सिर्फ कुछ दिन अपन ने पूरे किए हैं, तो वो साधना पूरी करके हम लोग भक्तामर की आराधना में, भक्तामर की भक्ति में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा देश भाव और भक्ति से भरा हुआ है। कैसा है? भाव भक्ति घनी। कहीं भी हम जाएं विहार करके, तो गांव के अंदर जब देखते हैं तो शब्द क्या निकलता है मुंह से, घनी भाव भक्ति आठे। तो भाव और भक्ति दोनों जरूरी होते हैं, परंतु हुआ ऐसा कि भारत के अंदर जो वैष्णव या हिंदू संप्रदाय था उनके अंदर भक्ति चली गई और जैनियों के अंदर भाव आ गए। क्या हो गया साहब? ध्यान चला गया आपका इधर उधर, इसलिए फिर बात ख्याल में नहीं रही कि क्या कहा। भाव और भक्ति में भाव तो गया, वो जो भक्ति करने वाले वारकरी लोग हैं, भक्ति करने वाले हिंदू लोग हैं, वो जाके ऐसे लोटांगण करते हैं, अष्टांग यानी जिसको आप साष्टांग दंडवत कहते हैं वैसा नमस्कार करते हैं, वहाँ पर उनकी भक्ति चढ़ जाती है, भक्ति में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि सब कुछ भुला देते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता भक्ति के अंदर। आपने कई बार सुना होगा ऐसे अनेकानेक संत महंत हुए हैं जिनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहा और चिखल के अंदर क्या हो गया, बच्चा भी चिखली हो गया। ऐसी भक्ति उनके अंदर है, उनके अंदर तो भक्ति चली गई और भाव अपने पास रह गया। भावना तो बहुत है अपनी बढ़ चढ़ कर, परंतु भक्ति का भाव आते हैं ना तब थोड़ा सा क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता, जल्दी से आदमी झुकता नहीं है, जल्दी से आदमी नम्रता नहीं लाता। परंतु जैन शासन के अंदर प्रत्येक गाथा में, प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक आगम में झुकने की बात बताई है। सबसे पहले आप समझ लो, नमो अरिहंतानम कहते तब क्या आता है, क्या आया पहला शब्द, क्या आया? नमो। और क्या आता है? कुछ भी, नमो। हमें क्या करना है? नम जाना है। नमते नहीं तो नरम होते नहीं, जो नरम होते हैं वो नम जाते हैं। अपने यहाँ वो नमने की बात शुरू से आई है। तिखुत्व में क्या आएगा? वंदन आएगा। लोगस समय क्या आएगा? नमोत्थुणम में क्या आएगा? खमासना में क्या आएगा? हर क्षेत्र में, हर पार्टी के अंदर कौन सी बात बताई? झुकने की बात बताई है। झुकने की भक्ति हमें करनी भाइयों और बहनों, अंदर से झुक जाना है, अंदर से, ऊपर से नहीं, ऊपर से ऐसा ऐसा किया नहीं, अंदर से झुक जाना। ये बात आज की गाथा में आई है। आज की गाथा कौन सी पढ़ी आप लोगों ने? बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित। कैसे कहा अपने आप को, क्या कहा है उन्होंने? पहले वाक्य में क्या बोला है? मंजे कहीं मैं बुद्धि रहित हूं, बुद्ध्या विना। समझने की बात है, इसलिए कह रहे हैं कि बुद्ध्या विना अपि यानी भी, मेरे पास बुद्धि नहीं है प्रभु। कौन कह रहे हैं? कितने बड़े आचार्य थे कि नहीं? अनेकों शास्त्रों के ज्ञाता थे, अनेक ज्ञान के ज्ञाता थे, और भगवान की भक्ति करने के लिए जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कैद के अंदर बैठे हुए, फिर भी क्या कह रहे हैं, इतना बड़ा स्तोत्र बना रहे। उसके पहले अनेकों बनाए, परंतु ये जब स्तोत्र बनाते थे उसमें भी उन्होंने अपने को क्या कहा? बुद्ध्या विनापि, मैं बुद्धि रहित हूँ प्रभु, मैं बहुत बालक जैसा हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। हीरा मुख से ना कहे, अपनी बड़ाई स्वयं ना करे, लोगों की तरफ से आने दे कि कितने नम्र है, कितने झुकने वाले हैं। ऐसी बात हमारे अंदर भी आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ की गाथा में क्या आया साहब? बुद्ध्या विनापि,
मालूम है जो कुछ मंगाई करता होता ठेके होता कहीं नहीं कहीं नहीं 10 मिनट तो चाहिए ना बोलने आज अपने तपस्वियों की जुलूस है और उनको यहाँ से बाँचते गाँचते मैत्री भवन में आयम्बिल भवन में ले जाने वाले हैं समझ रहे हैं कोड़ कौतुक करना अपना काम है इसीलिए उनका बाजे गाजे के साथ प्रवेश होने वाला है तब तक अपन 5 मिनट रुक जाते हैं है ना रुकेंगे तो इसीलिए मैंने थोड़ी जल्दी करी थी कि भक्तामर थोड़ा जल्दी जल्दी फेर लिया जाए परंतु नहीं हुआ तो 9:30 बज गए हैं है ना इसलिए देर लग जाती है थोड़ा सा रुक जाते 5 मिनट है ना गाड़ी गई बनी हो गई शांति तपस्वियों की धूम चल रही है तपस्वी लोग शायद यहाँ दर्शन के लिए आएंगे और फिर पालने के लिए आम्बिल भोर में जाने वाले हैं इसके लिए उनका बाजा गाजा ये चल रहा है अपना थोड़ी देर चलेगा उसके बाद हम भी उसमें शामिल होने वाले हैं हर्ष हर्ष तो अपने यहाँ आज के गाथा में कौन सी बात चल रही है बुद्धा विनापि इतने बुद्धिमान इतने विद्वान इतने संस्कृत श्लोकों को बनाने वाले बनाया उन्होंने और अपने को तो सिर्फ गाना होता है भक्तामर अपन क्या करते सिर्फ बोलते हैं कुछ लोग तो सिर्फ देखकर बोलते हैं अभी तक याद भी नहीं हुआ है एक लाइन भी बनानी हो ना संस्कृत की तो हमें आती परंतु गर्व कितना होता है इथे प्रत्येकाला वाटते आपण किती शहाणे सुनिए साहब ध्यान लगाकर इथे प्रत्येकाला वाटते आपण किती शहाणे यावर उपाय एकच फक्त शांत बसून पाहणे यावर उपाय एकच फक्त शांत बसून पाहणे कुछ भी कहने सुनने जैसा नहीं रहा जमाना पूरा बदल गया है भाइयों और बहनों तो किस प्रकार विनय नम्रता की बात बताएं परंतु फिर भी अगर भक्ति करते रहेंगे भक्तामर फेरते रहेंगे तो कभी न कभी हृदय के अंदर क्या आ जाएगी नम्रता आएगी नहीं तो क्यों बताया बार बार क्यों बताते हैं याद रखिए उत्तराध्यायन सूत्र पढ़ने वाले अपन दिवाली के अंदर उसके पहले अध्ययन में कौन सा पाठ आता है साहब पहले अध्ययन का नाम क्या है आया कि नहीं पन आपला में आयो कई और आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आना ऐसा नहीं प्रभु ने कहा 12 मास 12 घंटे अपने अंदर क्या होनी चाहिए लुढ़ताई उसको क्या कहते हैं लुढ़ताई चाहिए जब तक हमारे अंदर वो नम्रता नहीं आएगी आप कितनी सामायिक करें कितने प्रतिक्रमण करें और कितनी तपश्चर्या करें उसके पहले एक लगता नहीं विनय नम्रता का एक आंकड़ा आ जाता है ना ध्यान से सुनिए उसके आगे कितने भी 0 लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है परंतु विनय और नम्रता का सम्यक विनय और सम्यक नम्रता जब तक एक आंकड़े में नहीं आती वो सारे 0 0 0 पर एक लग जाए तो ऐसा हमें ध्यान रखना कि हमें झुकना कब है नम्र कब होना है हमारे अंदर सरलता कब आएगी ऐसा मन के अंदर विचार आना चाहिए भाइयों और बहनों ऐसा हमारे भगवान ने जिन वाणी में बारंबार कहा है एक बार नहीं कहा क्यों इस बात को क्यों बार एक तो चौथे व्रत की बात और एक विनय नम्रता की बात दोनों कैसे कही है बारंबार कही है क्योंकि घर घर में नम्रता का नाम निकल गया है विनम्रता का नाम बहू बेटी बेटा फटाफट क्या करने लग गए हैं जवाब देते कि नहीं देते
आपका अनुभव क्या कहता है। इसलिए इस भक्तामर की आराधना में नम्रता का पाठ बताया। भाई और बहनों, गुरु ने शिष्य से कहा, शाम का समय था, झोपड़ी में थे अपने आश्रम के अंदर, और गुरु ने कहा, बेटा मेरी उम्र हो गई है, दिन काफ़ी ढल गया है, दिए को बुझा देना। दिया क्या कर देना, बंद कर देना, मंगल कर देना। शिष्य ने बैठे बैठे ही कहा, गुरुवर अभी हवा आ गई है, बहुत जोरों से हवा चल रही है, हवा का झोंका आएगा और दिया क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। दूसरी बात बताई गुरु ने कि बेटा देखो तो बाहर वर्षा हो रही है कि नहीं, पाउस आवे कि नहीं, वर्षा बरसात आ रही कि नहीं आ रही, जरा देखना। तो शिष्य ने बैठे बैठे जवाब दिया, अभी यहाँ से बिल्ली आई थी और बिल्ली भीगी हुई थी, इसका मतलब वर्षा हो रही है। ध्यान में ले वो बात ने, खाना अनुभवी बात है। अभी अभी बिल्ली भीगी हुई गई, इसलिए भीगी बिल्ली ऐसा नाम पड़ गया होगा। बिल्ली भीगी हुई है, इसका मतलब क्या है, बाहर बरसात आ रही है। फिर गुरु जी ने कहा, बेटा दरवाजा लगा लेना अपने झोपड़ी का। उस शिष्य ने कहा, मैंने दो काम कर लिए, अब तीसरा काम आप कर लेना। दो काम मैंने किए, तीसरा काम, ये विनय नम्रता की बात प्रभु के दरबार में चलती नहीं। कितना भी करो, जब तक अंदर का दिल, अंदर का मन भीगता नहीं है, नम्रता से नम्र होता नहीं है, तब तक कोई काम आगे बढ़ता नहीं है। इसलिए प्रभु ने इस गाथा के अंदर क्या कहा, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। प्रभु मैं बुद्धि रहित हूँ, मुझ में कुछ नहीं, क्योंकि आप तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक है, मेरे में तो क्या है, मति ज्ञान और बोलिए, इतना तो सबको आता है, ठोकरे बहुत पाठ करते ना, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वो भी अल्प है, पूरा नहीं है। और ऐसे ज्ञान के अंदर भी मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हे आदिनाथ भगवान, हे मेरे प्यारे तीर्थंकर, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, विगत त्रपोहम, त्रप याने शरम, लज्जा, लाज रहित, त्रप याने लज्जा रहित होकर के, बुद्धि नहीं होते हुए भी मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। स्तोतुम, यहाँ पर भी क्या आया, सम्यक स्तुति करने की बात आई है। और अत्यंत नम्रता के साथ वे भगवान के सामने वारंवार वंदन नमस्कार करके कहते हैं, प्रभु मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, भले ही मेरे में बुद्धि क्यों ना हो। परंतु उदाहरण देते हुए कहा, अगले दो लाइन में उदाहरण दिया है, उन्होंने कहा कि जैसे छोटा बालक पौर्णिमा की रात्रि में जब पूनम के चांद को पानी में देखता है तो अपने पिताजी से क्या मांगता है, छोटा बालक क्या चाहिए, वो चांद मुझे चाहिए, वो चांद मुझे चाहिए, अब कहाँ से देवे उसको। तो यहाँ पर भी वही उदाहरण लेकर के क्या, बालम विहाय, बालका शिवाय जल संस्थित पानी में रहा हुआ इंदु बिंब, इंदु मंजे चंद्र, बिंब यानी बिंब, चंद्रमा का जो बिंब है, अन्य क इच्छति, चौथी लाइन में क्या आया, इसलिए किताबें होना बहुत जरूरी है, इसीलिए किताबें बांटी है आपको, परंतु उसका भी उपयोग करना आना चाहिए। कल कहा था कि ये किताब जो है मंगल स्मरण आपने क्या करना है, क्या करना है, लाना है, क्योंकि उसके अंदर बताया, तब आपके ध्यान में आएगा, अन्य कह इच्छन्ति जन सहसा ग्रहीतुम, कौन सी जनता, कौन से व्यक्ति चाहेगा कि इस प्रकार पानी में रहा हुआ चंद्रमा मुझे चाहिए, बालक के सिवाय ऐसा कोई भी मांगता, प्रभु मैं भी आपके आगे कौन हूँ, बालक हूँ, और बालक होते हुए भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, आपके जैसा ज्ञान प्राप्त करूँ। भैया इसके अंदर कहा, प्रभु मेरे हृदय के सरोवर में स्वच्छ पानी है, मति और श्रुति का स्वच्छ जल जिसके अंदर है, और उसके अंदर कौन सा प्रतिबिंब है,
आपकी सर्वज्ञता का, केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है, अंकित हो गया है मेरे स्वच्छ हृदय के जल में, और मैं उसी की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मति और श्रुति को मैंने निर्मल बना दिया है। अब मुझे कौन सी मांग है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की, सर्वज्ञता की प्राप्ति मुझे करनी है प्रभु। सर्वज्ञता का जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का, क्योंकि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन ये केवल ज्ञान में होता है, और वो पूर्णिमा का चंद्र मैं आपसे मांग रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? मांतुंगाचार्य कह रहे हैं कि प्रभु मेरे हृदय के अंदर जो आपका प्रतिबिंब, आपके ज्ञान का प्रतिबिंब मेरे हृदय में गिरा हुआ है, उसी की मांग मैं कर रहा हूँ, और मेरे दोनों हाथ एक भक्ति का और एक श्रद्धा का, मेरी भक्ति भी इतनी है, मेरी श्रद्धा इतनी है भक्तामर के स्तोत्र के प्रति, तो मैं उसी दोनों हाथों से आपके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा भावार्थ इस गाथा के अंदर आया है। भाई और बहनों, बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है, और इसका कुछ न कुछ भाव तो आपके दिल में जम गया होगा कि बालक जैसी बुद्धि मेरी है, बालक जैसे चंद्रमा की मांग मैं कर रहा हूँ, और फिर भी कहता हूँ कि मुझे आपका ज्ञान और दर्शन चाहिए। बुद्धि रहित होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। प्रभु आप क्या करें, मुझे जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति कराएं। ऐसी भावना कहते हुए आज की गाथा में मराठी अनुवाद 10 मिनट के अंदर अपना हो गया है। अब खाली अपन क्या करेंगे, मराठी अनुवाद। कल से हमारे श्रावक के लोग बोर्ड पर अगर लिख देंगे ना, तो आप मराठी श्लोक मेरे साथ गा सकेंगे, क्योंकि पूरा की पूरा समझने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। उस गाथा का अर्थ, भावार्थ, रहस्य का अर्थ आपकी समझ में आ जाए, ये हमारी भावना है, इसलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और वो निश्चित सफल होगा। तो पहले मैं बोलती हूँ, देवेंद्र पूजित पदा मज बुद्धि नाही, देवेंद्र पूजित पदा मज बुद्धि नाही, स्तोत्रे करी न भणुनी मति धावते ही, स्तोत्रे करी न भणुनी मति धावते ही, पाण्या मधील विधुबिंब धरावयास, शिवाय दूसरा न तैयार खास, बाला शिवाय दूसरा न तैयार खास, मैं बालक हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, ऐसी हमको क्या करी है। हमारे आचार्य श्री मांतुंग ने ये संदेश दिया है कि आप भी अपने को क्या समझे, बालक जैसा समझे, सरल बन जाए, सीधे बन जाए। कुछ भी बड़े हुए नहीं अपन, अरे धंधे में बड़े हो गए और उम्र में बड़े हो गए तो क्या हुआ, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनके सामने जो हमारे आचार्य प्रधानाचार्य, ऐसे जो महान महान पंडित लोग हो गए, ज्ञानी लोग हो गए हैं, जो भगवान के दरबार में भक्ति करते हैं, अपने आप को बहुत बहुत छोटा मानते हैं, ऐसी भावना आज की इस गाथा के द्वारा आचार्य श्री जी ने हमारे सामने रखी है। वही भावना अगर हम भी अपने जीवन के अंदर लाएंगे, तो देखते देखते हम भी क्या हो जाएंगे, भव सागर पार हो जाएंगे। इसी शुभ मंगल की कामना में अब हम विश्राम करते हैं। ओम।